हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अर्षा। कुकिंग सुकिंग विद अर्षा में आपका स्वागत है। चलिए किचन में चलते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लीजिए। मैंने एक बाउल लिया है बड़ा सा, उसमें मैं डाल दूंगी सूजी। अगर मोटी सूजी है आपके पास तो इसे मिक्सी में आप चला दीजिए, पतली हो जाएगी। तो एक कप मैंने सूजी लिया है और उसमें आधा कांदा लिया है मैंने बारीक चॉप करके। और ये आधा ही टमाटर लिया है मैंने। अगर आपके पास छोटा है तो एक टमाटर लीजिए। और ये मैंने तीन हरी मिर्च ली है बारीक कट करके। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। ये इस चम्मच से 4 चम्मच ऑयल है, इसे इसमें डाल देंगे। इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ, स्वाद अनुसार डालना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एक इनो ले रखा है, लेमन फ्लेवर का है। आप चाहो तो पुदीना फ्लेवर भी ले सकते हैं। तो मैंने कट कर लिए हैं और इसमें डाल देंगे। इसे पानी डाल के तुरंत घोल लेना है। आप चाहो तो इनो बाद में भी डाल सकते हो घोलने के बाद, और पहले भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कटोरी ले रखी है, इसमें मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है। आप चाहो तो घी कुछ भी लगा सकते हो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि ऑयल लगाओ। और नहीं तो आप घी भी लगा सकते हो, नहीं घी लगाना चाहते तो ऑयल लगाइए, कोई भी ऑयल लगाइए चलेगा। अब मैं क्या करूँगी, इसमें आधा आधा कटोरी में डाल दूँगी। भर के मत डालिएगा क्योंकि ये फूलेगा तो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है और एक जाली रख दिया है। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप कोई कटोरी रखिए, उसके ऊपर प्लेट रखिए और उसके ऊपर इसे रख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसे कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे कर देंगे गैस को। चलिए देखते हैं 10 मिनट हो गया है ये हुआ कि नहीं। हम क्या करेंगे, एक नाइफ से इसे चेक कर लेंगे, हुआ है तो क्लीन आएगा। हाँ चलिए हो गया। चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। इसे हल्का सा नाइफ से इस तरह से कर देंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो भी ये निकल जाएगा क्योंकि ऑयल लगा हुआ था इसमें। तो फ्रेंड, मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।